सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो 91 साइकिल है, जो मतलब वो ब्रांड है पूरा का पूरा, वो क्या एक अच्छा ब्रांड है या नहीं साइकिल के मामले में, MTB के मामले में। तो चलो गाइज, आज मैं इस पूरे वीडियो में इसका पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ कि आखिर इस ब्रांड में आखिर क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, दोनों का इस बार मैं कर लूँगा क्लासिफिकेशन। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूँ। हमारे जो पिछले वीडियो का जितने भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है अकॉर्डिंग टू अदर्स वीडियो। पता नहीं कि रीच जा नहीं रहा है, लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और गाइस एक और बात है, मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज बना रखा है, वहाँ प्लीज़ जाके आप फॉलो कर लेना और मैसेज करके ज़रूर बताना कि भाई मैं अभी फॉलो किया हूँ, क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है, बट फिर भी एक मैसेज कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं को बता दूँ, इंस्टाग्राम में मैं कुछ ऐसे मैं फालतू का पोस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करूँगा जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो साइकिलिंग करने के लिए, ठीक है गाइस। पिछली वीडियो में 48 व्यूज़ आया, तो उससे पहले वीडियो में 63 व्यूज़ आया। भाई बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है वीडियो कंडीशन। आई होप गाइस कि आप लोग सपोर्ट करोगे इस वीडियो में। और भी देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इसका नाम था फ्रॉग। यस गाइस, फ्रॉग 1 से 1.5 साल पहले आज से अराउंड उसका नाम था फ्रॉग। यस गाइस, और 91 साइकिल जब इसको 91 डाला गया तो बहुत एलिगेशन लगाने, भाई 91 है क्या, 91 है क्या, बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन आने लगा। किसी के पास फ्रॉक की मतलब उसी जमाने उस टाइप मतलब टाइम में जिसके पास फ्रॉक की साइकिल थी, बोले भाई ये कहीं मर्ज हो गई क्या, या फिर वो चेंज हो गई क्या साइकिल, क्या वो साइकिल बिकनी बंद हो गई, या फिर भाई अब वो बंद मतलब साइकिल अब नहीं बिकेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉग एक गाइज नेम था और उसे चेंज करके 91 डाल दिया गया। 91 एक कोड है गाइज इंडिया का, आप सब लोग को मालूम है 90-91 होता है, जो 91-91 गाइज वो चीज़ है जो आप कॉल करते हो ना तब आपको आता है सीरियल नंबर से, वो 91+। तो गाइज वहीं पे इसको एक मतलब देसी स्टाइल में लिखा गया 91 साइकिल। यस गाइज, 91 साइकिल। आप मतलब जो होता है कि न्यूमेरिकल नंबर में भी आप देखते होगे कि नेम में कि 91 लिखा रहता है, 91 तो ऐसे भी लिखा रहता है। क्योंकि अब इसका बता दूं क्या इसका साइकिल आप लोग के लिए बेस्ट है या फिर नहीं। गाइस मैं आपको एक सिंपल सा बात बता दूं, सब कंपनी अपने अपने में बेस्ट है। अब कोई फायरफॉक्स को फिटरप से कंपेयर करेगा, 91 से किसी को कुछ में कंपेयर करेगा, किसी को कुछ में कंपेयर करेगा, वह कंपेयर करने से ना ही वो बड़े हो जाएगा ना ही वो छोटा हो जाएगा, वो फिर एडवांस लाएगा। भाई अपना देखो गाइस, जब किसी को बेइज्जती होता है ना, बेइज्जती का बात नहीं, मैं उसको क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ कि आखिर कौन सा साइकिल का ब्रांड आपके लिए सूटेबल एज योर हैबिट या फिर एज योर पर्पस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जितने भी आपके साइकिल होंगे, ठीक है ना, जैसे मैं फ्रॉक की साइकिल सॉरी 91 की साइकिल आती है, जैसे मैं पैंथर आती है, स्नो लेपर्ड आती है, ये सब बिग कैट सीरीज़ की है, ठीक है ना। बिग कैट सीरीज़ यानी कि वो थोड़े से बिगनिंग से अच्छे साइकिल में आ जाती है, अराउंड 15,000-16,000 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी साइकिल आती है पैंथर। और स्नो लेपर्ड आती है अराउंड 27,999 रुपीज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइकिल है, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो गाइस देखो, पैंथर जो साइकिल है उसका जो गाइस परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको फुल उसका वीडियो देखना है तो यहाँ पे एक आई बटन आता होगा, यहाँ पे सॉरी कॉर्नर में, इस पर क्लिक करके आप ज़रूर देख लेना क्या इसका मतलब फ़ायदा अगर आप ये साइकिल लोगे। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था। और मेरे अंकल के पास भी, एक अंकल मेरे बगल में रहते थे, उनके पास भी पैंथर साइकिल है 27.5T वाली, और वो साइकिल काफ़ी ज़्यादा मस्त है कंपोनेंट से लेके उसके जो गाइस एडजस्टमेंट है, विथ है, और जो परफॉर्मेंस वो तो गाइस ज़बरदस्त है। और गियर जो है ना भाई उसका 21 स्पीड में, शिमानो के जो गाइस वो TZ वाले आती हैं, TZ वाले नहीं है, शिमानो के टर्निंग वाले, बट TZ वाले नहीं है, समझ गया। तो गाइस ये साइकिल का कुछ खासियत मैं आपको और बता दूँ ये ब्रांड का। सो गाइस, हर साइकिल का अपना अपना एक पर्पस होता है, एक अपना ही मतलब बहुत गुडनेस होता है कि मैं भाई इस तरीके में प्रोफेशनल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अब आप लोग कंपेयर करोगे फ्रॉग सॉरी 91 को कंपेयर करोगे अगर फायरफॉक्स से, फिटरप से, तो ठीक रहेगा। इसके क्योंकि
फायरफॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइकिल, उस पर भी मैं पूरे डिटेल साइकिल रिव्यू बताने वाला हूँ। एक साइकिल मुझे बहुत आँख में गड़ चुकी है भाई वो, और मुझे वो छोड़ना नहीं है, और मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला हूँ, आप ज़रूर जाके उसका देखना कितना अच्छा साइकिल है। उसको मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला हूँ, अपने स्टोरी में यहाँ तक ही डाला हूँ, और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं कंपेयर करूँ 91 को फायरफॉक्स से, तो गाइस गलत नहीं हुआ, क्योंकि 91 गाइस एक ऐसा साइकिल है जो MTB में स्पेशलिस्ट बनने का चाह रहा है, अभी बना नहीं है बट स्पेशलिस्ट बना जा रहा है। स्नो लेपर्ड गाइस और भी एक अभी आया गाइस, क्या लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड और एक आया गाइस ये पैंथर, वो दोनों 29 और 27.5T में दोनों ही टायर साइज में मिल जाता है। एंड फायरफॉक्स का बात करें तो न्यूक और एक और गाइस आया है कुछ इन्विक्टस, इन्विक्टस भी आया है मे बी शायद गाइस, उसमें भी आया है, लेकिन गाइस वो भी काफ़ी न्यूक अच्छा है और उस पर उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। बट एक और गाइस फायरफॉक्स की साइकिल मेरे आँख में गड़ चुकी है, और गाइस वो मुझे नहीं छोड़ने का मन कर रहा है। आई होप गाइस कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और गाइस पूरा क्लासिफिकेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा कि कौन सा सबसे अच्छा साइकिल होगा। क्योंकि गाइस देखो गाइस, मैं किसी भी साइकिल का बुरा ही नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए कि भाई ये इससे अच्छा है। भाई हर साइकिल ब्रांड अपने अपने साइकिल में अपन चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी सेल करूं, अच्छे लोगों तक पहुंचाऊं, अच्छे तरीके से उसको ब्रांडिंग करूं, तो वो दोनों ही साइकिल ब्रांड काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। आई होप गाइस कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना गाइस, चीता दी साइकिलिस्ट विदाउट एक स्पेस भी आपको देना नहीं होगा, बस चीता दी साइकिलिस्ट लिख देना, वो मेरा आ जाएगा आईडी। नहीं तो एक काम करो, मेरे जैसे यहाँ पे देखता होगा प्रोफाइल, उस पर जाके क्लिक करो, नीचे में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ऊपर में स्क्रोल करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अबाउट पे जाओ, अबाउट पे जाओगे इंस्टाग्राम दिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट मेरे पेज पे चल जाओगे, वहाँ पे डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हो। आई होप गाइस कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा लाइक कर देना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से बजाना, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।